हमने ये तो पढ़ लिया कि इंडिविजुअल प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट आइटम, यानी अगर एक कंपनी शैम्पू बना रही है तो वो जो शैम्पू की एक प्रोडक्ट है वो उसकी एक सिंगल इंडिविजुअल प्रोडक्ट है, और उसके हवाले से कंपनी को उसके एट्रीब्यूट्स का फैसला करना है, उसकी क्वालिटी का, उसके फीचर्स का, उसके स्टाइल डिज़ाइन का, उसके ब्रांड का, उसके पैकेजिंग का, उसकी लेबलिंग का, और उसकी सपोर्ट सर्विसेज का। इसके बाद लेकिन आप ये जानते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो सिर्फ एक प्रोडक्ट आइटम्स तो नहीं बना रही होती, वो तो बहुत सारी प्रोडक्ट आइटम्स बना रही होती। उनमें से कुछ प्रोडक्ट आइटम्स ऐसी होती हैं जो आपस में रिलेटेड होती हैं, यानी वो बिल्कुल एक तरह की होती हैं, और बाज़ जगहों पे तो आप देखते हैं कि प्रोडक्ट आइटम एज अ कोर सेम होती है लेकिन वो अपनी फंक्शनैलिटी के एतबार से एक से ज़्यादा आइटम्स बन जाती हैं। अच्छा, अब ये क्या कॉन्सेप्ट है? यानी मैं देखता हूँ एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो पानी में चलने वाली कश्तियाँ भी बना रही है, वो टू व्हीलर्स मोटरसाइकिल्स भी बना रही है, वो फोर व्हीलर कार्स भी बना रही है, वो एसयूवीज भी बना रही है, वो सिक्स व्हीलर ट्रक्स भी बना रही है, वो बसेस भी बना रही है। अच्छा, इसके अलावा मैं देखता हूँ तो उनमें से कुछ ऐसी हैं जो हवाई जहाज़ भी बना रही हैं। अच्छा, फिर मैं एक तरफ और तरफ चला जाता हूँ, ऐसी कंपनियाँ हैं जो साबुन भी बना रही हैं, जो शैम्पू भी बना रही हैं, जो चाय भी बना रही हैं, जो आइसक्रीम भी बना रही हैं, जो खुश्क दूध भी बना रही हैं। अच्छा, मैं फिर एक और तरफ चला जाता हूँ, ऐसी कंपनियाँ हैं जो टेलीविजन भी बना रही हैं, जो कंप्यूटर भी बना रही हैं, वो कैमरे भी बना रही हैं, वो इस्त्रियाँ या आयरन्स भी बना रही हैं। फिर मैं इस तरफ चला जाता हूँ तो ऐसी कंपनियाँ हैं जो शर्ट्स भी बना रही हैं, वो ट्राउज़र्स भी बना रही हैं, वो सूट्स भी बना रही हैं, वो शूज़ भी बना रही हैं, वो बेल्ट्स भी बना रही हैं, वो हैट्स भी बना रही हैं। फिर मैं एक और तरफ चला जाता हूँ तो वहाँ देखता हूँ कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हॉकी स्टिक्स भी बना रही हैं, जो बैट्स भी बना रही हैं, जो बॉल भी बना रही हैं, जो पैड भी बना रही हैं, जो स्पोर्ट्स गारमेंट्स भी बना रही हैं। ये क्या है? यानी मैं देखता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मल्टीपल आइटम्स प्रोड्यूस कर रही हैं, और उनमें से कुछ आइटम्स ऐसी हैं जो आपस में रिलेटेड हैं, कुछ आइटम्स ऐसी हैं जो दूसरों से मुख्तलिफ हैं। इनको मैं मार्केटिंग की टर्म्स में कैसे डिफाइन करूंगा? तो देखिए, इनके लिए भी मार्केटिंग में टर्म्स हैं। वो प्रोडक्ट्स जो एक तरह की हैं या एक तरह से फंक्शन करती हैं या जो अल्टीमेटली एक डेस्टिनेशन पे पहुंचती हैं, उनके लिए प्रोडक्ट लाइन का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैंने मिसालें ली, उसी तरतीब से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, वो कंपनी जो मोटर बोट्स बना रही है वो उसकी एक प्रोडक्ट लाइन है, जो वो टू व्हीलर्स बना रही है 70 cc, 100 cc, 125 cc और 150 cc और 250 cc और 500 cc टू व्हीलर्स, वो उसकी एक दूसरी प्रोडक्ट लाइन है। वो जो फोर व्हीलर कार्स बना रही है वो उसकी तीसरी प्रोडक्ट लाइन है। जो वो स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स बना रही है वो उसकी चौथी प्रोडक्ट लाइन है। जो वो सिक्स व्हीलर ट्रक्स बना रही है वो उसकी पांचवी प्रोडक्ट लाइन है, और जो वो बसेस बना रही है एयर कंडीशन, वो उसकी छठी प्रोडक्ट लाइन है। तो वो कंपनी जो साबुन बना रही है वो सारे उसकी एक प्रोडक्ट लाइन है, शैम्पू उसकी दूसरी प्रोडक्ट लाइन है, चाय उसकी तीसरी प्रोडक्ट लाइन है, आइसक्रीम उसकी चौथी प्रोडक्ट लाइन है, हॉकी स्टिक्स एक प्रोडक्ट लाइन है, बैट्स दूसरी हैं और बॉल तीसरी हैं, और उसके बाद जो स्पोर्ट्स गारमेंट है वो चौथी प्रोडक्ट लाइन्स हैं। आपको कुछ समझ आया? कुछ कुछ समझ आया। अच्छा, अब ये सारी कहानी सुनने के बाद एक लम्हा ये तो देख लें, ये प्रोडक्ट लाइन की डेफिनेशन क्या होती है? ये वही है जो अभी हमने बातें की हैं कि इससे कुछ मुख्तलिफ है? तो आइए ज़रा इसको देखते हैं। तो कहते हैं कि प्रोडक्ट लाइन इज अ ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स दैट आर क्लोजली रिलेटेड बिकॉज दे फंक्शन इन अ सिमिलर मैनर, आर सोल्ड टू द सेम कस्टमर ग्रुप्स, आर मार्केटेड थ्रू द सेम टाइप्स ऑफ आउटलेट्स और फॉल विद इन गिवन प्राइस रेंजेस। उसने यहाँ हमें चार क्राइटेरिया दे दिए हैं जिनकी बेस पर प्रोडक्ट्स एक लाइन में फॉल कर सकती हैं। नंबर वन, दीज फंक्शन सिमिलरली, यानी वो प्रोडक्ट्स जो एक तरह फंक्शन करती हैं वो एक प्रोडक्ट लाइन होंगी, वो एक ही तरह के लोगों को बेची जाती हैं। दिस इज सेकंड क्राइटेरिया।
फिर उनको सेम आउटलेट से मार्केट किया जाता है या वो एक ही प्राइस रेंज के अंदर फॉल करती हैं। ये चारों क्राइटेरिया किसी एक प्रोडक्ट लाइन के अंदर पूरी तरह से भी हो सकते हैं और पार्शली भी हो सकते हैं, मगर मुझे अब ये लग रहा है कि मेरे बच्चों को ये बात क्लियर हो गई है कि एक प्रोडक्ट लाइन क्या होती है। अब आपकी एक जिम्मेदारी है कि आपने मुख्तलिफ कंपनियों की वेबसाइट्स को विज़िट करना है या स्टोर्स को विज़िट करना है और देखना है कौन सी कंपनी की कौन सी प्रोडक्ट लाइंस हैं। आइए अब यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इंडिविजुअल प्रोडक्ट डिसीजंस तो हमने पढ़े थे, अब कुछ प्रोडक्ट लाइन डिसीजंस भी होते हैं, यानी जिसमें सबसे पहला है प्रोडक्ट लाइन लेंथ। यानी एक कंपनी की जो एक प्रोडक्ट लाइन है, यानी जो वो टू व्हीलर्स हैं या फोर व्हीलर्स हैं या सोप हैं या शैम्पू हैं, तो उसकी लेंथ क्या होगी। देखिए लेंथ किसे कहते हैं, याद रखिएगा, जो प्रोडक्ट लाइन लेंथ होती है ना, दिस इज़ अबाउट दैट हाउ मैनी प्रोडक्ट आइटम्स आर इन अ प्रोडक्ट लाइन। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन 6 किस्म के साबुन बना रही है जो कि मुख्तलिफ सेगमेंट्स के लिए हैं, या 6 किस्म के शैम्पू बना रही है, या 6 आप कह लें कि उसकी मुख्तलिफ इंजन पावर की गाड़ियाँ बना रही है या मोटरसाइकिलें बना रही है, तो वो डिसाइड करेंगी नंबर ऑफ आइटम्स इन अ लाइन के उसकी लेंथ क्या है। दो और बहुत अहम कॉन्सेप्ट हैं, मैं चाहूँगा कि आप उनको भी ज़रूर समझें। एक लाइन स्ट्रेचिंग है और एक लाइन फिलिंग है। देखिए एक गिवन लाइन है, मतलब आपकी एक ही प्रोडक्ट लाइन है। आप एक मिसाल के तौर पे कह लें कि एक आप 70 cc मोटरसाइकिल जो है वो आप बना रहे हैं। अच्छा, अब आपको लगता है कि एक ऐसा सेगमेंट है जो ज़रा ज़्यादा अफोर्डिंग है मगर पावरफुल इंजन चाहता है, तो आप उसके लिए एक 100 cc मोटरसाइकिल ऐड कर देते हैं। फिर आपको लगता है कि एक लेडीज़ का सेगमेंट है जो ज़रा इससे भी 70 से भी लो पावर की मोटरसाइकिल चाहता है, तो आप 50 cc की मोटरसाइकिल ले आते हैं। ये जो आपने काम किया, आपने अपनी प्रोडक्ट लाइन को स्ट्रेच किया, एक को आपने अप स्ट्रेच किया, एक दूसरा आपने डाउन स्ट्रेच किया, दो मुख्तलिफ सेगमेंट्स को सर्व करने के लिए। अच्छा, अब आपको दरमियान में नज़र आया कि एक ऐसा सेगमेंट है जो स्लाइटली बेहतर पावर चाह रहा है लेकिन प्राइस कम देना चाहता है, तो आपने उसके लिए 80 cc मोटरसाइकिल इंट्रोड्यूस करवा दी। ये भी आपने एक तरह से स्ट्रेचिंग भी की है, लेकिन आपने 70 और 100 cc के दरमियान एक लाइन फिलिंग की है। इन दोनों सेगमेंट्स के दरमियान एक और मार्केट सेगमेंट आ गया था जिसको सर्व करने के लिए आपने एक प्रोडक्ट आइटम ऐड किए, इसको हम लाइन फिलिंग कहते हैं। तो आपको क्लियर हुआ लाइन स्ट्रेचिंग और लाइन फिलिंग, ग्रेट। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब अगला जो हमारा तसव्वुर है वो प्रोडक्ट मिक्स का कॉन्सेप्ट है। जो प्रोडक्ट मिक्स है वो क्या चीज़ होती है। असल में किसी ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी प्रोडक्ट आइटम्स या लाइंस होती हैं उनको कोलेक्टिवली प्रोडक्ट मिक्स कहा जाएगा। जैसे कि एक ऑटोमोबाइल कंपनी की मोटरबोट्स, मोटरसाइकिल्स, कार्स, ट्रक्स एंड बसेस, सारी प्रोडक्ट लाइंस कलेक्टिवली उसका प्रोडक्ट मिक्स कहलाएंगी। क्लियर हुई। अच्छा, प्रोडक्ट मिक्स के बारे में 4 कॉन्सेप्ट आपको ज़रूर आने चाहिए। एक विद, दूसरा लेंथ, तीसरा डेप्थ और चौथी कंसिस्टेंसी। देखिए विद क्या है, जिसको आप ब्रेथ भी कहते हैं, चौड़ाई किसी चीज़ की। एक प्रोडक्ट मिक्स में जितनी प्रोडक्ट लाइंस होंगी ना, जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट लाइंस होंगी उतनी उसकी विद ज़्यादा होगी, और लेंथ जितनी हर प्रोडक्ट लाइन में आइटम्स ज़्यादा होंगी उतनी लेंथ ज़्यादा होगी। डेप्थ, हर प्रोडक्ट आइटम के जितने वेरिएंट्स होंगे ना, हर प्रोडक्ट आइटम के जितने वेरिएंट्स होंगे वो उसकी डेप्थ कहलाएगी। अच्छा, मैं अब आपको समझाता हूँ। जिस तरह के एक ब्यूटी शॉप है तो वो एक ब्यूटी शॉप, एक कंपनी है ना जी, उसके पास 3 तरह के सोप हैं। एक ब्यूटी सोप है, एक एंटी बैक्टीरियल सोप है, और एक उसके पास चिल्ड्रन के लिए यानी किड्स के लिए बेबी सोप है। अच्छा, अब हर सोप कैटेगरी में उसके 5-5 वेरिएंट्स हैं। ब्यूटी सोप में उसने 5 मुख्तलिफ जो स्किन्स हैं उनको कैटर करने के लिए वेरिएंट्स दिए हुए हैं। इसी तरह एंटी बैक्टीरियल में उसने कलर्स दिए हुए हैं डिफरेंट, और इसी तरह उसने बेबी सोप के अंदर डिफरेंट साइजेस दिए हुए हैं। जितनी वेरिएशन एक प्रोडक्ट आइटम के अंदर होती है वो उसकी डेप्थ कहलाती है। इसी तरह आप एक और मिसाल ले लें, एक गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनी है, उसने अपनी एक उसकी फॉर एग्जांपल 1000 cc गाड़ी है, उसके अंदर उसने 3 वर्जन्स दिए हुए हैं।
एक वर्जन आप कह लें ऐसा है जिसके अंदर गाड़ी जो है वो बिल्कुल सिंपल है, यानी उसमें एयर कंडीशनिंग है, पावर स्टेयरिंग है, लेकिन उसके विंडोज़ वगैरह पावर नहीं है, उसके जो व्हील हैं उनमें अलॉय व्हील्स नहीं है, उसकी ब्रेक्स ABS नहीं है। दूसरा वर्जन है जिसके अंदर, जिसको वो कंपनी कहती है कि उसके अंदर पावर विंडोज़ भी हैं, अलॉय व्हील्स भी हैं, और उसमें ABS ब्रेक भी है। फिर एक तीसरा वर्जन है जिसके अंदर जो जिसकी गियर ट्रांसमिशन है वो भी ऑटोमेटेड है। तो आप ये कहेंगे कि जो तीनों वेरिएंट्स है ना, ये उसकी डेप्थ बताएंगे कि किसी जी अगर जितनी ज़्यादा इंडिविजुअल प्रोडक्ट आइटम्स के वेरिएंट्स होते हैं किसी मिक्स में, वो उसकी डेप्थ होते हैं। कंसिस्टेंसी कैसे मालूम होती है? जो प्रोडक्ट लाइंस हैं और आइटम्स हैं वो फंक्शनैलिटी के एतबार से आपस में कितनी करीब हैं, कितनी रेलेवेंट हैं, उससे ज़ाहिर होता है हाउ कंसिस्टेंट आर डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस और हाउ कंसिस्टेंट इज द प्रोडक्ट मिक्स ऑफ दैट कंपनी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। थैंक यू वेरी मच।